शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। कहाँ गए ये लोग? ये लोग तो आज सुबह ही यहाँ से चले गए। थैंक यू। अरे मेरा बेटा पास हो गया, अरे मेरा बेटा पास हो गया, ले लो मुंह मीठा करो, मेरा बेटा पास हो गया। साथ की मेरा बेटा पास। सॉरी साहब जी, सॉरी साहब जी। आई कम। यस यस कम कम कम। आ जाओ भगत सिंह। हाँ बोलो साहब जी। माफ करना, बेटे की पास होने की खुशी में मैं अपने आप को भूल ही गया था। तुम्हारा बेटा पास हो गया? जी साहब जी, फर्स्ट क्लास। देखिए साहब जी, फर्स्ट क्लास पास हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। भाई भगत सिंह, ये तो इतनी बड़ी खुशखबरी है कि इस खुशी में कोई भी बाप सब कुछ भूल जाता है, खासकर तुम जैसा बाप।
जिसने औलाद की शक्ल में अपनी तमाम उम्मीदों और सपनों को जन्म दिया। सब जी आपने वादा किया था कि आप मेरे बेटे को अफसर बनाने में मदद करेंगे, उसे अफसर बनाएंगे ना? साहब जी मुंह मीठा कीजिए ना। वैसे तुम्हारा बेटा है कहाँ, हमसे नहीं मिलवाओगे? जी वो आज हमारे यहाँ एक पार्टी है, तुम उसको ले आओ। भाई ऐसे होनहार बच्चे को हम भी तो शाबाशी दें। साहब जी आज आई हैप्पी, साहब जी आई वेरी हैप्पी। यार भगत सिंह तुम हमसे अंग्रेजी में बात ना किया करो। क्यों साहब जी? बात यह है कि हमारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है और जब हम तुमसे बात करती है ना तो हमें कुछ घबराहट सी हो जाती है। आई नो साहब जी, यू आर उड़ाइंग माय मजाक, हां, बट आई हैप्पी, वेरी हैप्पी साहब जी। तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, तू कहां है यार? बस यही। देख तुझे कर्नल साहब ने आज रात को पार्टी में बुलाया है, वो तुझसे मिलना चाहते हैं और तुझे ऑफिसर बनाने में मदद भी करना चाहते हैं। कहां आपकी आर्मी, कहां मैं? नहीं नहीं पापा। देख 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 देख, मेरा परदादा अर्दली, मेरा दादा अर्दली, मेरा बाप अर्दली, मैं अर्दली। यार मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे अपनी जात ही अर्दली की हो गई हो। देख मैं तो इसी उम्मीद से जी रहा हूं कि तू बिकमिंग ऑफिसर एंड आई सल्यूट यू यार। तुझे अफसर जरूर बनना है, पार्टी में वक्त पर पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा तुझे। अच्छा मैं अभी आती हूँ, मैं के सर से ठो, जो भी चाहिए होगा मुझे पूछ लेना। बाय। बताओ तो कौन है? आप हाथ हटाएंगी तो बताऊंगा कि कौन है। इसका मतलब आप नहीं बता सकते? जी नहीं। आप? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम दोनों की दोबारा मुलाकात हो जाएगी, मगर आप यहाँ कैसे? मैं कर्नल साहब से मिलने आया हूँ। पापा से? आइए मैं मिलवाती हूँ। पापा? हाँ बेटी। पापा इनसे मिलिए, ये है करण, मैंने आपको बताया था ना वो एक लड़के ने मुझे। आई सी, अच्छा तो तुम हो वो शायर जिसने हमारी बेटी की इज्जत बचाकर हमें एहसान मंद कर दिया। थैंक यू वेरी मच। भाई भगत सिंह। जी साहब जी। तुम तो कह रहे थे कि तुम अपने साहबजादे से मिलवाने वाले थे, वो कहाँ है? He is standing सामने आपके साहब जी, यही मेरा बेटा है। क्या? तब तो तुम सरासर नाइंसाफी कर रहे हो। नाइंसाफी साहब जी? हाँ भाई, एक शायर के हाथ से कलम छीन के उसके हाथ में बंदूक दे देना, ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है साहब जी? वो सॉरी सर, शायरी करना मेरा शौक है और मेरे पापा की हसरत पूरी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद। हाउ स्वीट, कितना होनहार बेटा है तुम्हारा भगत सिंह। वाह वाह वाह, औलाद हो तो ऐसी। हाँ तो करण सिंह, अभी तक तो हमने तुम्हारी शायरी की सिर्फ तारीफ ही सुनी है, अब कुछ कलाम सुनने को मिल जाए तो लुत्फ आ जाए। हाँ भाई आइए सब लोग, महफिले शायरी की इब्तिदा होती है इरशाद। कुछ बात है तेरी बातों में, कुछ बात है तेरी बातों में, ये बात यहां तक आ पहुंची। हम दिल से गए, दिल हमसे गया, ये बात कहां तक आ पहुंची। वाह क्या बात। भाई कुछ और हो जाए। खुदा जाने हमारी इश्क की दुनिया कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। वाह क्या बात, क्या बात। शायरी तो तुम्हारी लाजवाब है ही, मगर तुम दोनों बाप बेटों का सीटी बजाने का अंदाज भी कुछ कम नहीं। हम जब भी बहुत खुश या बहुत उदास होते हैं, खुशी हो या गम, सीटी बजाकर बांट लेते हैं।
अच्छा सर, इजाजत चाहूंगा। इजाजत तो तुम्हें मिल जाएगी, मगर एक शेर हमारे सीने में फड़क रहा है, कहो तो उगल दे। जरूर। खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो।